मथुरा में नैथी हॉस्पिटल के सामने स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्विस लेन इस समय गंदे पानी से लबालब है। कारण यह कि सीवर लाइन टूट चुकी है, जिसकी आज तक मरम्मत नहीं की गई है। शहर की किसी भी सड़क पर जलभराव नहीं होगा, कहीं पर गंदगी जमा नहीं होने दी जाएगी, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। ये सभी दावे नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त द्वारा समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इन दावों से बिल्कुल विपरीत है। बीच सड़क पर जमा गंदा पानी और उसमें फंसा ये टेम्पो, ये तस्वीर है मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत नयति हॉस्पिटल के समीप सर्विस लेन की। यहाँ कई महीने से नारकीय हालात बने हुए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी नगर निगम ने इस समस्या का समाधान करना मुनासिब नहीं समझा। परेशान स्थानीय बाशिंदे शनिवार को जनरल गंज स्थित नगर निगम के कार्यालय पर पहुंचे, लेकिन इनका दुर्भाग्य रहा कि समय देने के बाद भी मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु या नगर निगम का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उन्हें नहीं मिला। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने अब आंदोलन करने का मन बना लिया है। अनीता चावला एडवोकेट ने बताया कि उनके क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। निगम ने सीवर डालने के नाम पर सड़क पर गड्ढे बना दिए हैं, जिनमें आए दिन वाहन फंसते रहते हैं। अनीता चावला ने कहा कि 72 घंटे के भीतर यदि उनकी समस्या का समाधान न हुआ तो मजबूर होकर स्थानीय लोग प्रदर्शन करेंगे और हाईवे भी जाम करेंगे। जैसा कि आप लोगों की नॉलेज में भी होगा, पिछले 6 महीने से हाईवे नियति मेडी सिटी के बाहर वार्ड नंबर 24 का एरिया है, वो नगर निगम के क्षेत्र में आता है, जिसमें अभी 1.5-2 महीने पहले सीवर लाइन के नाम पर 6 इंची के मुश्किल से पाइप डाले गए। पूरा गड्ढा खोदने के बाद उसे मात्र कच्ची मिट्टी से, पक्की सड़क खोद के कच्ची मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया गया, जो आज ये स्थिति है कि वहाँ पे अच्छे खासे गड्ढे बने हुए हैं, जिसको बंद करने की या उसको पक्के रोड के रूप में जैसे वो था उस स्थिति में लाने की नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया गया। हम लोगों ने नगर निगम का, आप देखेंगे वहाँ पे, ये तो रोड की स्थिति है ऑन हाईवे। आप हाईवे से जैसे ही कॉलोनियों का आप रुख करें तो वार्ड नंबर 24 में आज तक एक भी कोई कर्मचारी सफाई वाला सफाई के लिए नहीं आता है। अगर कोई शिकायत आप FB के माध्यम से या किसी और माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर डालते हैं, उसी दिन वहाँ पे सफाई कर्मचारी उपस्थित होता है। अन्यथा की स्थिति में वहाँ के पार्षद गण कोई भी ऐसा नहीं है। ये नगर निगम में आप देख लीजिए, कोई भी अधिकारी हमें उपस्थित, जबकि हमें 12 बजे का टाइम दिया गया था, यहाँ पर यहाँ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमारा प्रार्थना पत्र लेने के लिए उपस्थित नहीं है। मेयर साहब के पास 12 बजे का टाइम लेके मिलने आए थे, लेकिन वो उपस्थित नहीं है। उनके एवज में भी अभी कोई अधिकारी ऐसा उपस्थित नहीं है जो हमारी मांग को पूरा कर सके। अब अगर हमारे यहाँ से, हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं नगर निगम से, हमारे यहाँ स्थाई उस एरिए के लिए स्थाई स्वीपर नियुक्त किए जाएँ, 1 नाले की निकासी का काम कराया जाए, 3 जो पक्की सड़क को खोद के जो सीवर लाइन डाली उस गड्ढे पे से वो मिट्टी हटा के जिसमें आए दिन लोग गिर रहे हैं और चुटैल हो रहे हैं, उसको कवर करा के वो पक्का रोड सही कराया जाए।